मध्य प्रदेश की ग्वालियर, मुरैना और खंडवा लोकसभा सीट पर मंथन के बाद जारी हुई कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची और इसके बाद शुरू हुए अंदरूनी विरोध के चलते कांग्रेस के ग्वालियर जिला अध्यक्ष ने घोषणा की है। लोकसभा चुनाव बाद वो पार्टी को इस्तीफा देकर रिटायरमेंट ले लेंगे। जिलाध्यक्ष के बयान के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग की 4 लोकसभा सीटों में से मुरैना और ग्वालियर की सीट पर शनिवार को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम को लेकर पार्टी के अंदरूनी गिले शिकवे सामने आ रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की नाराजगी दूर करने के लिए आनंद फानंद में सोमवार को कांग्रेस कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव में मतदाता के घर तक कैसे पहुंचा जाए और चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मीडिया को बयान देते हुए चौंका दिया कि यहां उनके कार्यकाल का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वहां पार्टी से इस्तीफा देकर रिटायरमेंट ले लेंगे। जिलाध्यक्ष का बयान उस समय सामने आया जब कांग्रेस बीजेपी से प्रचार में काफी हद तक पिछड़ी है। ऐसे में जिलाध्यक्ष का बयान कांग्रेस को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। बहरहाल रूठों को मनाने के लिए बुलाई गई शहर जिलाध्यक्ष द्वारा बैठक में अध्यक्ष ने ही बैठक में मौजूद राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार, साहब सिंह गुर्जर और संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारियों के अलावा लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पाठक की मौजूदगी में दिए बयान के बाद कांग्रेस ने बैठे बैठे बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में मुद्दा दे दिया, जिसे राजनीतिक गलियारे में अलग अलग नजर से देखा जा रहा है। मैंने अभी बैठक में स्पष्ट कर दिया कि मैं कंपलसरी रिटायरमेंट लूँगा चुनाव के बाद, और कार्यकर्ताओं से निवेदन कर लिया कि ये सीट एक बार और जिता दो जिससे मेरा रिटायरमेंट अच्छा हो। तो क्या लोकसभा के चुनाव के बाद रिटायरमेंट इस्तीफा पार्टी से? बिल्कुल रिटायरमेंट पार्टी से इस्तीफा ना लेंगे लोकसभा के बाद? निश्चित रूप से। साधारण सभा की बैठक जो है प्रत्याशी को लेके की गई थी और प्रत्याशी के सब कार्यकर्ताओं को आज ये बिगुल बज गया, और जो लोकसभा में हमारे प्रत्याशी घोषित किए हैं प्रवीण पाठक जी, उनके जिताने के लिए यहाँ से आज कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में निकल गए। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी होती तो मैं यहाँ बैठक में नहीं होता। अभी आपने कहा, अभी आपने कहा इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या कारण रहे, क्या कारण? मैंने बताया ना आपको कि मैं अपना रिटायरमेंट इस चुनाव के बाद ले लूंगा। क्या कारण क्या रहे? और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।